देश में बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर रसोई गैस सिलेंडर हाथों में उठाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रही महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई चरम पर है, इससे आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। इधर मौके पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने भी मोदी सरकार को जमकर कोसा। ये सरकार जनता विरोधी है, आम आदमी के जीवन जनजीवन को नरक बना दिया है, लोग के पेट पे लात मार रही है। जब डीजल 100 के पार, पेट्रोल 100 के पार, गैस का सिलेंडर 1000 के पार, तो क्या खाएगा और क्या नहाएगा? ये जो आज मोदी सरकार का चरित्र देखने के सामने आया है और चेहरे पे जरा शिकन नहीं है, सिर्फ इसलिए कि टैक्स बढ़ा करके रखा है। इस पे अगर दाम घटाना है तो टैक्स हटाओ और आम लोगों को जीने का मौका दो। मोदी, तुम आखिरी व्यक्ति नहीं हो इस धरती के, तुम्हें भी अपना हिसाब देना पड़ेगा। आज हम महिलाएं सड़क पर आ गए हैं, हमें अब जो किचन है उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि जब अग्नि ही नहीं होगी तो हम पकाएंगे क्या पे, ना गोयठा है, ना लकड़ी है और ना कोयले का हम लोगों को मिल पा रहा है, तो हमारा ढनढना रहा है पूरा किचन का बजट। और आज हम गैस सिलेंडर को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी, अगर देश नहीं संभलता है तो आप सत्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि अब महिलाएँ त्राहिमाम हो चुकी हैं और सड़क पे आ गई हैं। ऐसा ना हो कि महिलाएं आत्महत्या करें और उसकी दोषी आप करार हो, जैसे 3 काला कानून किसान भाइयों की हत्या के लिए आपको दोषी करार हम लोगों ने।